दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ फील्ड शेप्ड लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या एक फील्ड है जिसका किसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हूज साइड इज सिक्स। भाई एक फील्ड है जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी थ्री साइड होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का होता है थ्री साइड, वो इक्विलेटर मतलब तीनों साइड बराबर, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तीनों साइड बराबर, ये फील्ड है। अब ये कह रहा है फाइंड द पैरामीटर। पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का मतलब होता है हमें कितने साइड है इसमें, वन टू थ्री, तीनों साइड का जो सम आएगा वो पैरामीटर होता है। मतलब हम कह सकते हैं पैरामीटर ऑफ द ट्रेंगल, अगर मैं लिखूं पैरामीटर ऑफ इक्वलेटर ट्रेंगल, ऑफ इक्वलेटर ट्रेंगल, इक्वलेटर मतलब जिसके तीनों साइड क्या होती इक्वल होती, उसको हम कहते हैं इक्वलेटर ट्रेंगल। ठीक है, ये ट्रेंगल क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, मतलब थ्री साइड होती तीनों साइड का सम, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, एक साइड ये, एक ये, एक ये, तो हम कहने का मतलब कि पी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, तो ए बी, दूसरी साइड क्या है बी प्लस सी, प्लस बी प्लस सी, तीसरी क्या है ए प्लस सी, ये तीनों साइड को जो सम आएगा उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है साइड कितनी, इसकी सिक्स है। अब ये सिक्स होगी तो ये भी सिक्स होगी, तो ये क्या होगी सिक्स होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड इक्वल होगी। भाई जब हम इक्विलेटरल की बात करें तो इसमें क्या है कि तीनों साइड हमारी क्या इक्वल है। अब हम कह सकते हैं पैरामीटर, पैरामीटर भाई अभी हमने बोला सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या हो जाएगी सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स, यही होगा सिक्स प्लस सिक्स, यही होगा। तो पी इक्वल टू, चाहे आप तो इसको प्लस करें या थ्री वन टू थ्री, थ्री सिक्स इंटू थ्री भी कर सकते हैं भाई, चाहे आप तीनों को प्लग, सिक्स ट्वेल्व, सिक्स थ्री एटीन हो जाएगा, या सिक्स थ्री से एटीन, तो पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।